लेकिन एक फिल्म की चर्चा काफी जोरों शोरों से है, रत्नाकर बीआईटी जो कंपनी है, वर्ल्ड वाइड संघर्ष 2 सीक्वल का इंतजार, हम और आप, दुबई में शूटिंग, क्या अपडेट है? तीन कंट्रीज में शूट हुई, थाईलैंड, इंडिया एंड दुबई, और उसका टीजर बहुत जल्दी देखने लगा, मैंने देखा है टीजर, और मैं बता रहा हूँ शूट चल रहा था हमारा, बोली शूट चल रहा था अभी, और भैया ने टीजर दिखाया, और आई स्वेयर मैंने खुद वो टीजर 5 बार दिखा, और भैया उधर डांस कर रहे थे, आके बोले मन भर गया, हम लोग एक बार और, वो इतना खतरनाक टीजर है और इतना जबरदस्त लुक है, वो जिस दिन आउट होगा नीजू आप ये बाइट रखना मेरी, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उस टीजर को एक बार कोई नहीं देखेगा, उसको जो भी देखेगा 2-3-4 बार देखेगा, क्योंकि उसमें जो शॉट्स आ रहे हैं, जो सीन आ रहे हैं, जो इनका लुक आ रहा है, ओ नेक्स्ट लेवल है, 3 डिफरेंट लुक्स आप लोग को तो टीजर में देखने को मिल जाएगा, अमेजिंग है, मतलब पराग पाटिल भैया को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, रत्नाकर भैया को दिल से थैंक यू बोलूंगा कि ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने लाया, एंड भैया सुपर एक्साइटेड, शायद मेरे ख्याल से पहली पिक्चर जिसको उन्होंने 40 दिन करने के लिए, ये फर्स्ट मूवी है जिसको 40 डेज शूट किया हम लोगों ने, और कंटिन्यूस शूट किया, कोई ब्रेक नहीं था, ऐसा नहीं कि 40 दिन में 20 दिन घर बैठे थे, 40 के 40 दिन पिक्चर शूट हुई है, कंटिन्यूस शूट हुई है, सिर्फ लोकेशन चेंज में जो टाइम लगा लगा है, उसका एक शॉट अभी बचा हुआ है हेलीकॉप्टर का, वो आज शूट होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम हॉर्सेस माउथ से सुनते हैं, जब भैया खुद आके बताए ना, तो उसका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट बरकरार रहे, लेकिन हाँ एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि टीजर देख के दिल खुश हो जाएगा, टीजर देख के दिल खुश हो जाएगा, लेकिन भैया जाते जाते अपने फैंस से क्या है? जितने भी लोग हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, अगर हम लोग होली तक नहीं मिल पाए इनके चैनल पे, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में, और नीजू आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप मूवीज और गानों के इतना प्रमोट करते हैं भैया को, और आप सबको दिल से थैंक यू बोल के इतना प्यार देते हैं।